क्रिकेट की दुनिया को अगर आप अपनी दुनिया मानते हैं तो आप सभी क्रिकेटिंग फैंस के लिए हम रोज लेकर आते हैं मैच की पूरी जानकारी, मैच का पूरा प्रेडिक्शन, ड्रीम इलेवन फैंटेसी गेम प्रेडिक्शन और उसी के साथ साथ हेड टू हेड रिपोर्ट्स, लास्ट प्लेइंग परफॉर्मेंस, सब कुछ उस मैच के बारे में जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के छठे T20 मैच के बारे में जो कि इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान है, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ड्रीम इलेवन टीम के बारे में भी बताएंगे, हम बताएंगे आपको लास्ट प्लेइंग परफॉर्मेंसेस के बारे में भी, पिच की पूरी रिपोर्ट के बारे में, हेड टू हेड प्रेडिक्शन के बारे में, टॉप पिक प्लेयर्स के बारे में और भी बहुत कुछ, यानी कि वो सब कुछ जो आप इस मैच के बारे में जानना चाहते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर मैच की सारी जानकारी आपको त्वरित प्रभाव से मिले। बात आज कर रहे हैं हम पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के छठे T20 की, इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान। यहां पर यह मैच जो है 30 सितंबर 2022 को होने वाला है और यह मैच शुरू होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8 बजे, यानी कि रात को 8 बजे। वेन्यू जो है वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर है, पाकिस्तान में खेला जा रहा है गद्दाफी स्टेडियम में। मैच को लेकर बेहद उत्साह है। चलिए पहले कुछ जानते हैं गद्दाफी स्टेडियम के बारे में भी, लेकिन उससे पहले मैच की कुछ डिटेल्स को समझते हैं। देखिए पाकिस्तान और इंग्लैंड जो है वो छठी बार आमने सामने होने वाले हैं T20 में और गद्दाफी स्टेडियम जो है वो पूरी तरह से सब कुछ बताने वाला है कि क्या होगा इस मैच में। ये इससे जो पहले का जस्ट मैच था उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेल खेल कर इंग्लैंड को हराया था, और अगर हम बात करें बाबर आजम की तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। साथ ही साथ जो रिजल्ट रहे पिछले मैच के उसमें पाकिस्तान ने एक लीड बना ली 3-2 से, और ये लीड जो है वो पाकिस्तान को काफी आगे लेके जा रही है। जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड ने की बैटिंग परफॉर्मेंस थोड़ी खराब रही थी और उन्होंने उसी की वजह से क्लोज मार्जिन से जो है पिछला मैच हार गए थे। साथ ही साथ मोइन अली जो हैं वो उनसे अब आशा की जा रही है कि वो अपने पोटेंशियल जितना खेलें इस मैच में, क्योंकि उनका पोटेंशियल जितना खेलना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की। ये जो गद्दाफी स्टेडियम है 1959 में बना था, इसकी कैपेसिटी लगभग 27,000 लोगों की है और इसे लाहौर स्टेडियम भी कहा जाता है। साथ ही साथ पवेलियन एंड जो है वो इसका कॉलेज एंड पर होता है, लोकेशन इसकी लाहौर पाकिस्तान है, और साथ ही साथ टाइम जोन जो है उसका वो UTC+100 है। ये घरेलू मैदान है लाहौर के लिए और साथ ही साथ यहाँ हॉकी भी खेला जाता है, फ्लड लाइट्स यहाँ भरपूर है तो आप आसानी से डे नाइट मैच का मज़ा यहाँ पर ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं वेन्यू की स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि गद्दाफी स्टेडियम में क्या आंकड़े कह रहे हैं। T20 की स्टैटिस्टिक्स पे अगर जाएं तो यहाँ पर अभी तक 14 T20 खेले जा चुके हैं जिसमें से 7 वो टीमें जीती हैं जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट चुना था और 7 वो टीमें चुनी जीती है जिन्होंने बैटिंग सेकंड चुना था। एक भी मैच टाई नहीं रहा है। यहाँ पर जो औसतन स्कोर रहा है पहले बैटिंग करने वाली टीम का वो लगभग 166 रन रहा है, और जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो पाकिस्तान ने बनाया है 197 रन 5 विकेट खोकर, और लोएस्ट स्कोर भी पाकिस्तान ने बनाया है 101 रन 10 विकेट खोकर। ये T20 की स्टैटिस्टिक्स है। स्कोरिंग पैटर्न जो गद्दाफी स्टेडियम में रहा है 150 के पार अभी तक 4 बार रन बने हैं, 150 से 170 के अंदर 3 बार रन बने हैं और 170 से 189 के अंदर 6 बार रन बने हैं, 190 से बाहर अभी तक सिर्फ 1 बार यहां पर स्कोर गया है। आगे हम बात करते हैं इस पिच की पूरी कंडीशन के बारे में। ये जो पिच है गद्दाफी स्टेडियम का, ये जन्नत माना जाता है बैट्समैन के लिए, यानी कि बैट्समैन यहाँ पर खुल के खेल सकते हैं, बहुत सारे रन बना सकते हैं। और ये पूरी तरह से जो दोनों अभी जो टीम है पाकिस्तान और इंग्लैंड उनकी बैटिंग को देखते हुए साफ तौर पे लग रहा है कि जो भिड़ंत होने वाली है वो बहुत हाईएस्ट स्कोर्स के साथ भिड़ंत होगी। और साथ ही साथ ये जो पिच है वो पूरी तरह से फ्लैट है, यहाँ पर बॉलर्स को हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं है, बॉलर्स को इंतज़ार करना होगा बैट्समैन की
गलती का, तभी वो यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं। कोई अनइवन बाउंस नहीं है यहाँ पर, और इस तरीके से वो टीम जीतेगी यहाँ पर जो टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट लेती है, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा है। टेम्परेचर यानी कि तापमान यहां पर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है, प्रेसिपिटेशन शून्य रहने वाली है, ह्यूमिडिटी लगभग 49% के आसपास रहने वाली है, हवाओं की रफ्तार जो है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यहां चलने वाली है। आगे हम बात करते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस की। इंग्लैंड की रीसेंट परफॉर्मेंस कैसी रही पिछले 5 मैचेस की अगर हम बात करें, तो लेटेस्ट मैच जो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान था उसमें इंग्लैंड हार गई, उससे पिछले मैच में भी इंग्लैंड हार गई, उससे पिछले मैच में पाकिस्तान के ही खिलाफ इंग्लैंड जीती थी, उससे पिछले मैच में जो कि पाकिस्तान के खिलाफ था वो इंग्लैंड हार गई, और उससे पिछले मैच में वो जीती थी, यानी कि 5 में से 2 ही बार इंग्लैंड जीती है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 5 में से 3 बार जीता है, 2 बार हारा है, ये सारे मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ ही थे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि पाकिस्तान का पल्ला हल्का भारी लग रहा है इंग्लैंड से। और यहां अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो लास्ट 5 बार जब पाकिस्तान और इंग्लैंड भिड़ी थी तो उसमें से 3 बार पाकिस्तान जीती है, एक बार 6 रन से, एक बार 3 रन से, एक बार 10 विकेट से, और 2 बार इंग्लैंड जीती है, एक बार 63 रन से और एक बार 6 विकेट से। इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि पल्ला कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भारी है। अब अगर बात करते हैं पाकिस्तान में कौन वो 11 खिलाड़ी होंगे जो इस मैच को खेलने वाले हैं, प्लेइंग 11 कौन है, बाबर आजम कैप्टन और बैट्समैन, शान मसूद ओपनिंग बैटर, मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर भी हैं और बहुत जबरदस्त रन भी बनाते हैं, इफ्तिकार अहमद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मोहम्मद हारिस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आसिफ अली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, शहदाब खान ऑलराउंडर, मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर, आमिर जमाल ऑलराउंडर, मोहम्मद वासिम जूनियर ऑलराउंडर और हारिस रॉफ बॉलर, ये जो लोग हैं वो 11 प्लेइंग 11 में होने वाले हैं। और इंग्लैंड के प्लेइंग 11 कौन हो सकते हैं, फिलिप सॉल्ट विकेट कीपर, एलेक्स हेल्स ओपनिंग बैट्समैन, डेविड मलान टॉप ऑर्डर बैट्समैन, बेन डके टॉप ऑर्डर बैट्समैन, हैरी ब्रूक बैट्समैन, मोइन अली कैप्टन और बैटिंग ऑलराउंडर, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस मैच में, सैम करन ऑलराउंडर, क्रिस वॉक्स ऑलराउंडर, डेविड विली बॉलिंग ऑलराउंडर, आदिल रशीद बॉलर, मार्क वुड बॉलर, ये सब लोग जो हैं वो प्लेइंग 11 में होने वाले हैं इंग्लैंड के। टॉप पिक प्लेयर्स की बात करते हैं, यानी कि वो जिनकी वजह से मैच बन भी सकता है और अगर परफॉर्मेंस कम रही तो बिगड़ भी सकता है। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान 10 मैच खेले हैं, 553 की रन रेट और 553 रन बनाए हैं और लगभग 69.13 की बैटिंग एवरेज है, और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 131.35 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डिपेंडेंसी इन पर है जीत के लिए। बाबर आजम 10 मैच में 292 रन 252 रन्स और यहां पर 28.00 की बैटिंग एवरेज, 132.63 का स्ट्राइक रेट। हारिस रॉफ बहुत ही जबरदस्त बॉलर है, 10 मैच में 16 विकेट चटकाए हैं, 7.86 की इकोनॉमी है और 13.50 की स्ट्राइक रेट यहां पर इन्होंने दी है। आगे हम बात करते हैं टॉप पिक प्लेयर्स की। मोइन अली 10 मैच, जो इंग्लैंड की तरफ से टॉप पिक प्लेयर्स हैं, मोइन अली 10 मैच में 260 रन, 43.33 की बैटिंग एवरेज, 172 की स्ट्राइक रेट, ये अगर चल गए तो पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ सकता है। डेविड मलन 9 मैच में 221 रन, 24.56 की बैटिंग एवरेज, 131.54 की स्ट्राइक रेट, बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज हैं ये भी। और रेसी टॉपली 6 मैच में 8 विकेट चटकाए हैं, 7.71 का इकोनॉमी है और 18 की स्ट्राइक रेट, तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये वो प्लेयर्स हैं जो अगर चल गए तो पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ सकता है और अगर नहीं चले तो पाकिस्तान पूरी तरह से जीत जाएगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की ड्रीम 11 टॉप फैंटेसी पिक्स कौन सी है, कौन वो प्लेयर्स हैं जिनके जीतने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, कौन वो ड्रीम 11 टीम बना रहे हैं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, बैट्समैन बाबर आजम, हैरी ब्रूक, बेन डके, शेन मसूद,
ऑलराउंडर मोइन अली, बॉलर्स हैरिस रॉफ, मार्क वुड, मोहम्मद नवाज, सैम कुरन और आदिल रशीद, ये है ड्रीम इलेवन टीम। तो सभी वो लोग जो फैंटेसी गेम्स खेलते हैं इस ड्रीम इलेवन टीम के ऊपर आप बेट लगा सकते हैं। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, बैट्समैन बाबर आजम, हैरी ब्रूक, बेन डके, शान मसूद, ऑलराउंडर मोइन अली, बॉलर्स हैरिस रॉफ, मार्क वुड, मोहम्मद नवाज, सैम कुरन और आदिल रशीद, याद रखिएगा इस बात को। और अब हम बात करते हैं असली बात की, मैच प्रिडिक्शन, यानी कि पाकिस्तान भले ही बैक टू बैक विक्ट्री कर रहा है लेकिन इस सीरीज में अभी भी दो मैच हैं, तो सीरीज अभी भी जिंदा है, यहां पर बहुत कुछ बदला जा सकता है। जो घरेलू टीम है वो लगातार विक्ट्रीज की तरफ जा रही है और पिछला मैच भी हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान ने जीता था। और साथ ही अगर बात करें मोइन अली की, तो इनसे बहुत ज़्यादा आशाएं लगाई जा रही है कि ये जो हैं अच्छा खेलेंगे, और ये खुद भी आशा लगा रहे हैं जो अनुभवी प्लेयर्स हैं उनसे कि उन्होंने अगर अच्छा खेल लिया तो इंग्लैंड को कुछ मिल सकता है। लेकिन हमारा मैच का प्रेडिक्शन यही है, सारे आंकड़ों को देखकर, सारी बातों को देखकर, कि पाकिस्तान के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरीके के कंटेंट आप हमसे चाहते हैं और आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा। देखते रहिए कैश कर ले।